नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल LifeX पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल LifeX को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को अनेबल जरूर करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जांघों के बीच की खुजली से है परेशान तो लगाए ये अनोखी चीज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। खुजली की समस्या दिनों दिन अक्सर रात में भी बढ़ती जा रही है। देखा गया है कि लोग खुजली से परेशान होकर दूसरों की नजरों से बचकर पैंट की जेब में हाथ डालकर खुजाते हैं। कोई नहीं देख रहा हो तो सीधे सीधे हाथ डालकर खुजाते हैं। दोनों पैरों के बीच यानी जांघों के आसपास लोगों को खुजली करते आप सबने देखा होगा। अपने प्रियजनों को भी इस बीमारी से जूझते देखा होगा। इसीलिए आज हम आपको ऐसा आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज बताने जा रहे हैं जिससे आप जांघों के बीच होने वाले दाद और खुजली से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, कपूर को नारियल तेल में डालकर अच्छे से मिला लें और खुजली वाली जगह पर मसाज करें। आंवला खाने से बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती है, तो वहीं आंवला की गुठली को अगर आप जलाकर पीस लें और उसमें नारियल का तेल मिलाकर खुजली पर लगाएं तो दो दिन में आपकी खुजली का नामोनिशान मिट जाएगा। दोस्तों, खुजली के लिए 20 ग्राम अजवाइन को 100 ग्राम पानी में उबाल लें। शरीर में जहां भी खुजली हो वहां पानी लगा लें, खुजली समाप्त हो जाएगी। साथ ही हल्के पानी में अजवाइन को पीस लें और खुजली के ऊपर लगाएं, खुजली जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया कि जांघों के बीच की खुजली से है परेशान तो लगाए ये अनोखी चीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल LifeX को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।